ये वीडियो उन लोगों को जरूर भेजे जो कहते हैं कि रामायण एक काल्पनिक घटना है। रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने कई घटनाओं के समय को ग्रह और तारों की स्थिति में वर्णन किया है, जैसे कि श्री राम के जन्म की घड़ी को जब इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑनन वेदास ने ग्रहों की स्थिति बताने वाले एक सॉफ्टवेयर में डालकर देखा तो पता चला कि ग्रह की ऐसी स्थिति 5114 BC में हुई थी। और जब हिंदू कैलेंडर से इसे मिलाया जाता है तब ये तिथि आती है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी, मतलब वही दिन जिस दिन हर साल राम नवमी बनाई जाती है। इतना ही नहीं, जब इस जानकारी को दोबारा सॉफ्टवेयर में डालकर देखा गया कि उससे पहले ग्रह की ये दिशा कब थी तो पता चला कि आज से 10 लाख साल पहले भी ग्रहों की यही दिशा थी। और रामायण में एक चार दांत वाले हाथी की प्रजाति का वर्णन आता है जो रावण के महल की रक्षा करते थे। अब वैज्ञानिकों की माने तो ये हाथी गोम्फोथेरेस है, जो कि धरती पर 10 लाख साल पहले वास्तव में हुआ करते थे।